बोलो सोशल बाबा की। क्या हुआ बाबा जी? हम देख रहे हैं कुफरी की पहाड़ियों पे हम दोनों बर्फ पे खेल रहे हैं। ये क्या हुआ बाबा जी? तुमने हमें बर्फ का गोला क्यों मारा? बाबा जी सपने बाद में देखिएगा, अभी तो फिलहाल भक्तों की समस्या देखिए। चलो फिर बर्फ निकाल लें आँख से। हाँ भाई कैसे हो भक्तों? तो बताइए किसकी क्या समस्या है, बोले। बाबा जी प्रणाम। नेटवर्क बना रहे। बाबा जी मेरे पापा हमेशा ये बोलते हैं भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर जब भी मैं मेरे दोस्त के साथ घूमने जाती हूँ और उनसे पैसे मांगती हूँ वो मुझे मना कर देते हैं। पहले ये बताओ वो दोस्त है कि बॉयफ्रेंड है? शर्मा गई, बॉयफ्रेंड ही है। वैसे हम तुम पे हैरान हैं, 2016 में बॉयफ्रेंड के पास भी जाती हो और घर से पैसे भी मांगती हो। भाई तुम्हारे पिता भी यही चेक कर रहे हैं कि उनका होने वाला दामाद खर्चा करने लायक है कि नहीं। क्यों बाबा जी? जो गर्लफ्रेंड का खर्चा उठाता है वही तो बीवी के नखरे उठाता है। जी फिर मुझे समझ में नहीं आता मेरे पापा ये क्यों बोलते हैं हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। वो तो बूढ़े बुजुर्गों की पुरानी प्रॉब्लम है। हमारे पिता भी कहते थे कोई चीज की कमी नहीं, कोई चीज की कमी नहीं। उनका ब्लड चेक कराया, विटामिन ए कम निकला। बैठ जाओ नहीं तो विटामिन ए कम हो जाएगा। बोलो सोशल बाबा की। और किसी की कोई समस्या? हाँ बोलिए। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी मेरी समस्या ये है कि मुझे ये पता नहीं चलता कि कोई आदमी आम आदमी कैसे है। शीशा देख लो। क्योंकि आम आदमी ऐसे ही सवाल ही पूछता रहता है सारी जिंदगी, उसके मन में यही सवाल होते हैं कि पहले सिम कार्ड के लिए लाइनों में लगा रहा, अब करेंसी चेंज करने के लिए। आम आदमी बेचारा उसको चप्पल का एक पैर मिल जाए ये सोच के उठा लेता है कि दूसरी का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। और बेचारा प्लेन देखकर ऐसे देखता है जैसे अभी एलियन उतरने वाले हो। वाह वाह बाबा जी आप तो कितने महान हो। कितने बताओ कितने? महान हो? मेरी बहन ट्रेंडी पे गंदी नजर रखने वाला बाबा, ये मत भूलो कि उसका भाई पहलवान है। और जो सुलभ शौचालय के बाहर दो दो रुपए इकट्ठे करता है, गौर से देखिए शक्ल, ये वही तो नौजवान है। बाबा जी मेरा भाई है। मजाक कर रहे थे, इधर आ, आम आदमी के पैर के अंगूठे। क्या बात है बाबा जी? मेरे साथ पंगा नहीं लेना। क्यों? मैं पहले बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? होना क्या था बाबा जी, मैं नौकरी लेने गया था। हाँ। वो कहते जहाँ तो कोई रेफरेंस लेकर आओ किसी की, या फिर 20,000 रुपया लेकर आओ। अब समझ नहीं आ रही क्या करूँ, तो 20,000 रुपया दे दो। मूर्ख, इसको अपने जीजा की सिफारिश करवानी चाहिए, इसका नाम लेना चाहिए। बाबा जी जीजा कौन? हट। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहां से।
कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली, चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है?